क्या मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊं जो पूरे YouTube पर नहीं है? क्या आप जानते हैं इट इज द एम्बियंस ऑफ क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इट इज एम्बियंस ऑफ का मतलब होता है का माहौल है, जैसे कई बार आप अपने डेली लाइफ में कहते हैं हर जगह डर और खौफ का माहौल है, या हर जगह जहालत का माहौल है, हर जगह खून खराबे का माहौल है, हर जगह फ्रॉड का माहौल है, हर जगह धोखेबाजी का माहौल है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं का माहौल है को बोलने के लिए आप कहेंगे इट इज द एम्बियंस ऑफ। कैसे बोलेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सके। अगर आपको कहना हो चारों तरफ डर का माहौल है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज द एम्बियंस ऑफ फियर एवरीवेयर, यानी चारों तरफ डर या खौफ का माहौल है। अगर आपको कहना हो चारों तरफ जहालत का माहौल है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज द एम्बियंस ऑफ इग्नोरेंस एवरीवेयर, यानी चारों तरफ या हर जगह जहालत का माहौल है। अगर आपको कहना हो चारों तरफ खून खराबे का माहौल है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज द एम्बियंस ऑफ ब्लड सीड एवरीवेयर, यानी हर जगह खून खराबे का माहौल है, हर जगह धोखेबाजी का माहौल है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज द एम्बियंस ऑफ फ्रॉड एवरीवेयर, यानी हर जगह फ्रॉड का माहौल है या धोखेबाजी का माहौल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इट इज एम्बियंस ऑफ क्या है। अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए।